बीएसपी की घटना जो अमृतसर में हुई है, कैसे देख रहे हैं दरबार साहिब में? देखो, जितनी भी उसकी निंदा की जाए उतनी भी कम है, लेकिन बड़ा दुख हुआ है कि ऐसे तरीके से ये घटना हो जानी और उसको फिर मार देना। उसकी मैं आज भी कहा कि उसकी कोई सुप्रीम हाई कोर्ट के जज से, सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए, ताकि ये मालूम तो हो भी कि क्या इसके पीछे कौन सा है। क्योंकि मैं समझता हूँ पंजाब का इलेक्शन आ रही है, पता नहीं कौन कराता हो कौन नहीं कराता हो। ये होना चाहिए कि कोई ना कोई पॉलिटिकल आदमी तो होगी उसके पीछे। तो आज फिर होगी कपूरथला में, हालांकि वो कपूरथला तो आईजी ने कहा कि सिर्फ कोई चोरी करनी आया थे, वो भी मार दिया। ये घटनाएं हो रही हैं जो बहुत दुखदाई हैं। अगर जो पहले हुआ था ना, हमारे जो बादल सरकार थी उस वक्त हुआ था, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, अगर उसकी सजा किसी को मिल जाती, पकड़े जाते, तो आज ये लोगों में किसी की हिम्मत ना पड़ती। मैं समझता हूँ कि उसका भी होना चाहिए। और ये ना ये कांग्रेस सरकार ने किया, ना ही पहले हमारी साड़ी हमारी सरकार थी वो उसने किया। तो आज फिर वही बात हो रही है, हर रोज घटनाएं हो रही है। सर, क्या हिंदू और सिखों को बांटने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल अभी गुरु ग्रंथ साहब को तो हिंदू भी उतने ही मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे लोग उसको भड़काने की बात करेंगे कोई ना कोई, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को तो सभी मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब कोई छह गुरुओं की वाणी है, तो तीस तो महापुरुष ऐसे हैं जो सारे धर्मों से, मुसलमान भी हैं, फकीर और हिंदू भी हैं, पंडित भी हैं, सभी की वाणी है वहाँ पर। ये तो है नहीं कि सिर्फ सिखों की वाणी है, तो सभी की वाणी है। तो एक ही ऐसा धर्म है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसको कोई ये नहीं कह सकता कि एक धर्म के लिए है, वो तो सभी के लिए है, इसीलिए सभी लोग मानते हैं उनको। लेकिन सर, क्या लगता है कि अगर मैं यही बेनती करूँगा सभी पंजाबियों को, और पंजाबियों नहीं सभी देशवासियों को भी, और देशवासियों नहीं बल्कि सारी दुनिया में रहने वालों को, कि इसको ये ना समझना कि सिखों का सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब तो सब सारी दुनिया के साझा है। इसकी निंदा सभी करें, इसको ये मत समझे कोई कि ये किसी धर्म ने कराया, कोई है जो उसको निकालना चाहिए। लेकिन सर, चुनाव से पहले ऐसी घटना क्या दर्शाती है? क्योंकि 2017 के चुनाव हुए, उससे पहले घटना घटी, अब 2022 में चुनाव में इस टाइम पे घटना घटी, क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, यही तो मैं कहता हूँ, यही तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके पीछे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये तो यही इंक्वायरी होगी ना। अभी आज मैं थोड़ा कोई किसी को कह सकता हूँ कि किसका कसूर है। इसलिए बहुत निंदे ने, जितनी भी निंदा की जाए कम है, जितना दुख है हर एक आदमी को इतना दुख पहुंचा है कि क्योंकि सब सर्व साझा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। क्या सर, कानून की बदलाव में भी मांग करते हैं आप कि जिस तरीके से अगर कानून सख्त होगा तो कोई भी कोशिश नहीं करेगा? नहीं, कानून तो पहले से सख्त है, कानून तो और भी सख्त हो जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कानून तो लागू करेंगे तो ही है ना, ये तो सरकारें कर सकती हैं।